दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान का एक बेटा था तथा दो बेटियां थीं। वह अपने बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए अपने खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करता था। किसान चाहता था कि उसका बेटा धर्मपाल पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से बाहर निकाल सके। लेकिन धर्मपाल का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह हर वक्त अपने दोस्त यारों के साथ घूमता फिरता, मौज मस्ती करता रहता था। पिता बार बार समझाते, लेकिन धर्मपाल पर इसका जरा भी असर नहीं होता था। आखिर में वह किसान धर्मपाल का दाखिला गांव से कोसों दूर गुरुकुल में करवा दिया। गुरुकुल उस जमाने में शिक्षा प्राप्त करने का सबसे उत्तम संस्थान हुआ करता था। अपने गांव, अपने परिवार, अपने दोस्तों से दूर गुरुकुल में आकर पहली बार धर्मपाल को अपने तथा अपने परिवार के बारे में सोचने का अवसर मिला। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वह गुरुकुल में रहकर मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। इसी तरह एक साल गुजर गए, लेकिन धर्मपाल के शिक्षा में, उसकी बुद्धि और विवेक में ज्यादा सुधार दिख नहीं रहा था। गुरुजी कई बार उसे डांट लगा चुके थे और चेतावनी भी दे चुके थे। गुरुजी जो सिखाते, जो भी पाठ याद करने के लिए देते, धर्मपाल कोशिश तो करता, परंतु उसे कोई भी पाठ ठीक से याद नहीं हो पाता। इसी तरह दूसरा साल बीत गया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर एक दिन प्रधानाचार्य ने, गुरुकुल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और समझाते हुए बोले, देखो धर्मपाल, गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुम गांव वापस लौट जाओ और खेतीबाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। उन्होंने धर्मपाल के हाथों में एक पोटली थमाते हुए गुरुकुल से जाने को कह दिया। धर्मपाल वापस जाना तो नहीं चाहता था, पर प्रधानाचार्य की आज्ञा के अनुसार वह अपने गाँव की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे बड़ी तेज प्यास लगी। आगे कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दी, जहां कई सारी महिलाएं उस कुएं से पानी निकाल रही थीं। धर्मपाल उनसे मांग कर पानी पिया और उस कुएं के पास ही बैठकर कुछ देर आराम करने लगा। वह बहुत उदास था, क्योंकि उसके माता पिता ने कितनी आशा के साथ उसे गुरुकुल भेजा था। कुछ ही वर्षों में उसकी बहनें शादी योग्य हो जाएंगी। उसकी शादी के तमाम खर्चों के लिए धन कहाँ से आएगा? वह यही सब सोच रहा था, तभी उसकी नज़र कुएं के पत्थर पर बने निशान के ऊपर गया। वह उसे गौर से देखने लगा। पानी भरने के दौरान रस्सी के आने जाने से वहां एक गड्ढा सा निशान पड़ गया था। वह सोचने लगा कि अगर एक मामूली रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो क्या उसके बार बार अभ्यास करने पर उसे विद्या नहीं आ सकती? अब धर्मपाल अपने गाँव जाने के बजाय वापस गुरुकुल आ गया। उसने प्रधानाचार्य के सामने हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा और कहा कि गुरुजी, मुझे केवल एक मौका दीजिए, अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा। धर्मपाल के आत्मविश्वास को देखते हुए प्रधानाचार्य भी मना नहीं कर पाए और उसे शिक्षा जारी रखने की अनुमति दे दी। अब धर्मपाल मन लगाकर, पूरे एकाग्रचित होकर, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगा। अब उसे जो भी सिखाया जाता, जो भी पाठ पढ़ाया जाता, उसे वह बार बार अभ्यास करता, उस पाठ को बार बार दोहराता और तब तक प्रयास करता जब तक वह उसे सीख नहीं जाता, जब तक वह उस पाठ को कंठस्थ नहीं कर लेता। रात्रि को सभी छात्र सो जाते, लेकिन धर्मपाल जागकर बार बार कोशिश करता रहता, अध्ययन करता रहता और तब तक नहीं सोता जब तक वह पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाता। धर्मपाल में आए इस बदलाव को देखकर सभी छात्रों के साथ साथ गुरुजी भी आश्चर्यचकित थे। एक समय था जब धर्मपाल को मंदबुद्धि समझा जाता था, परंतु आज वह अपने लगन और कठिन परिश्रम से गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र बन गया है। किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर ऐसे ऐसे तर्क और सुझाव देता है जो बाकी छात्रों के समझ से परे होता है। धर्मपाल को गुरुकुल में आए 5 वर्ष पूरा होने वाला था। उसकी शिक्षा पूर्ण होने में अब केवल 2 महीना ही शेष बचा था। इसी दौरान उस राज्य के राजा चंद्रमणि गुरुकुल में पधारे। वे किसी विषय पर प्रधानाचार्य से कुछ विचार विमर्श करने के लिए आए थे। राजा चंद्रमणि वहां 2 घंटे रुके और इन 2 घंटों में ही उन्होंने धर्मपाल की प्रतिभा को भांप लिया। वे प्रधानाचार्य से धर्मपाल के बारे में जानना चाहा, तो प्रधानाचार्य ने भी धर्मपाल के चतुर और प्रतिभा से राजा को अवगत करा दिया। उसके बाद राजा ने धर्मपाल को अपना सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को धर्मपाल ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और राजा चंद्रमणि के साथ ही राजदरबार आ गया। कुछ ही महीनों में धर्मपाल के प्रतिभा की चर्चे चारों तरफ होने लगी। धर्मपाल के कार्यकुशलता को देखकर, उसकी क्षमता और उसकी प्रतिभा को देखकर राजा चंद्रमणि ने उसे अपना मंत्री बना दिया। कुछ साल पहले जिसे मंदबुद्धि समझकर गुरुकुल से निकाल दिया था, आज वह अपनी मेहनत और निरंतर प्रयास से मंत्री बन गया।
धर्मपाल ने जब से गांव छोड़ा था तब से 5 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन एक बार भी वह अपने गांव, अपने परिवार, अपने माता पिता से मिलने नहीं गया था। आज वह अपने गांव जाने के लिए तैयार था। एक सुसज्जित रथ पर सवार होकर वह अपने गांव के लिए प्रस्थान करता है। उसके रथ के आगे पीछे दर्जनों सिपाही साथ चल रहे होते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, उसके आने की खबर भी चारों तरफ फैलती जाती है, और इस तरह ये खबर उसके गांव पहुंच गई। धर्मपाल की सवारी जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, गांव के सभी लोग, सभी महिलाएं, पुरुष हाथों में फूल मालाएं लेकर उसके स्वागत के लिए पहले से तैयार थे। पुरुष उन्हें माला पहना रहे थे और महिलाएं उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। धर्मपाल सबको अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही धर्मपाल का रथ उसके टूटे फूटे पुराने घर के आगे रुका, उसके पिता पहली नजर में तो उसे पहचान ही नहीं पाए। सुसज्जित रथ पर सवार रेशमी वस्त्रों में वह एकदम कोई राजकुमार लग रहा था। धर्मपाल रथ से उतरता है और अपने पिता के चरण स्पर्श करता है। पिता उसे गले से लगा लेते हैं। गले से लिपट कर दोनों के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। पिता पुत्र के आंखों में आंसुओं को देखकर उसकी बहनें और उसकी माता, जो हाथों में आरती की थाल लिए द्वार पर खड़ी थी, वे सब भी अपनी आंखों को छलकने से रोक नहीं पाती हैं।